हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। इसके लिए मैंने कुछ आलू ले रखे हैं जिन्हें मैंने कुकर में रखे हैं और थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसमें तो मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी जिसे अच्छे से उबल आएंगे। अब मैं अपने कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। तो मैंने अपना कुकर अभी गैस पे रख दिया है, जब तक मैं कुछ और तैयारी कर लेती हूँ। मैंने प्याज और मिर्ची को बारीक कट कर लिया है। तो मेरी 4 सीटी लग चुकी हैं। अब देख सकती हो आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो जब तक मैं अपना आटा रेडी कर लेती हूँ। आटे में मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर लूँगी। मैंने सारे आलूओं को निकाल लिया है, अब इनको मैं तैयार कर लूँगी। इसके बाद मैं आलूओं को बट्टे की सहायता से अच्छे से मैश कर लूँगी। मेरे आलू मैश होके रेडी हो चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूंगी और सौंफ ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं ये हरी मिर्ची को डाल दूंगी। साथ ही मैं प्याज को ऐड कर दूंगी। अब मैं इनको अच्छे से भूनने दूंगी कर दूंगी। मेरा मसाला रेडी हो चुका है, अब इसमें मैं अपने आलू को ऐड कर दूंगी। अब मैं इनको अच्छे से मैश कर दूंगी। अब मेरी भजिया हो चुकी है बनकर के रेडी। तो मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। जब तक मेरा आटा भी रेडी हो गया था, देख सकते कितनी अच्छी से हो चुका है। अब मैं इसमें से छोटी छोटी लोइयां करके रोटी के आकार का बेल लूंगी। अब इसमें हल्की सी मैं अपनी भजिया रखूंगी और इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। इसको मैं कुछ एक्स्ट्रा जो हो जाता है इसको ऊपर से निकाल के हल्का सा दाब दूंगी। और इसको मुझे आराम आराम से स्लोली स्लोली बेलना है। मैंने अपने पराठे को तवे पर डाल दिया है। अब मैं इसके आसपास से हल्का हल्का तेल डाल दूंगी। अब मैंने इसको पलट लिया है, अब इसके ऊपर हल्का हल्का तेल लगा दूंगी। दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगाने के बाद अब मैं इसको बारी बारी से सेक लूंगी। मेरा पराठा एकदम सेक करके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो गाइस कितना क्रिस्पी बना है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको मेरा पराठा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।